चिड़िया चू चू बोलती है, डाली डाली डोलती है। चिड़िया चू चू बोलती है, डाली डाली डोलती है। चलती है जब मस्त हवा, चिड़िया को आता है मजा। चलती है जब मस्त हवा, चिड़िया को आता है मजा। उड़ने दोहराई तो जरूरी है ना, तो चलिए फिर सब बच्चे अब मुझे सबसे पहले बताएंगे कि ये कौन सा हर्फ है। शाबाश बच्चों, ये बे है और बे कहता है ब। और ये कौन सा हर्फ है? जीम, और जीम की आवाज क्या होती है? ज। ये पढ़िए, से, से कहता है स। टे, और टे के ऊपर कितनी प्यारी सी तोए होती है, टे कहता है ट। ते, ते कहता है त। पे, पे कहता है प, और पे के नीचे तीन नुक्ते। शाबाश बच्चों, आज हम दो नए हरूफ की पढ़ाई करेंगे, और वो दो नए हरूफ कौन से हैं? एक है चे, जिसके पेट में तीन नुक्ते होते हैं और उसकी आवाज है च। और दूसरा हर्फ कौन सा है? हे, जो कि चे के बाद आता है, और हे की आवाज क्या होती है? ह। और ह का कोई नुक्ता नहीं होता, ह का कोई नुक्ता नहीं होता, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो बच्चों, अब हम उर्दू कायदा में इन हरूफ की पढ़ाई करेंगे। सब बच्चे तैयार हैं? ये देखिए, हमने ये तमाम सफात की पढ़ाई कर ली है ना, जीम भी हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे चे। तो गौर से देखिएगा, इस हर्फ का नाम है चे और इसकी आवाज है च। अब च से क्या क्या शुरू होता है? च चूड़ियां, च चांद, च चार। आपको पता है जो नंबर चार होता है उसको उर्दू हिंसे में इस तरह से लिखते हैं, च चार। च चप्पल, च चूजा, च चाय, च चावल, च चने, च चम्मच, च चील, च चूंटी, च चिड़िया। आपने देखा च से कितनी सारी तस्वीर है सफ़ा पर, तो आपने बहुत अच्छी तरह च के तमाम दोस्तों की पढ़ाई करनी है। तो चलिए अब अगला हर्फ शुरू करें। ये देखिए सफा नंबर 10, और ये कौन सा हर्फ है? हे, और हे की आवाज क्या होती है? ह, और ह का कोई नुक्ता नहीं होता। अब देखिए ह से क्या शुरू होता है? ह हजाम, ह हजाम। हजाम कौन होता है? जो आपके बालों की कटिंग करता है, और आप कटिंग करवाने से साफ सुथरे और प्यारे बच्चे लगते हैं, ठीक है। और ये देखिए ह हैरान, ह हैरान। जब आप हैरान होते हैं तो आप ऐसे चेहरा बनाते हैं ना। ह हलवा, ह हलवा, और ह हलीम, ह होज,
तो देखा बच्चों आपने ह के कितने सारे दोस्त हैं। आपने जीम, चे और हे इन तमाम हरूफ के नामों, आवाजों और जखीरा अल्फाज की अच्छी सी पढ़ाई करनी है। तो अब हम खेलेंगे एक जबरदस्त सी सरगर्मी जो बहुत आसान भी है और बहुत दिलचस्प भी है। तो शुरू करें। ये देखिए, ये मेरे पास क्या है? मुख्तलिफ रंगों के खूबसूरत खूबसूरत से कार्ड जिसके ऊपर मैंने बड़े बड़े हरूफ लिखे हैं, लेकिन इन तमाम हरूफ में कोई नकात नहीं है। तो आपकी मामा आपको मुख्तलिफ रंगों के कागज देगी या आप सफेद कागज के ऊपर भी इस तरह से हरूफ लिख सकते हैं, लेकिन इन हरूफ में नकात नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये नकात आप खुद लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे ये देखिए, आप बोतल के ढक्कन लेंगे। ये बोतल के ढक्कन हैं जो घर में फालतू होते हैं। मेरे पास जो ढक्कन थे मैंने उनको गोल्डन कागज चढ़ा के खूबसूरत सा बना लिया है। आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास बोतल के ढक्कन नहीं है तो आप बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करें अपने इस खेल को। ये देखिए मैंने क्या किया है, एक ढक्कन में ऐसे टेप ली है और इस ढक्कन के अंदर मैंने टेप चिपका दी है। इसकी वजह से ये नुक्ता जो है वो यहां से नहीं गिरेगा। और ये मैंने इसके पेट में एक नुक्ता लगा दिया। और अब आप मुझे बताइए ये कौन सा हर्फ बन गया? जी शाबाश, ये जीम बन गया। और अब देखते हैं कि अब हम क्या बनाएंगे। ये देखिए, और से देखिएगा, दो नुक्ते साथ और एक नुक्ता नीचे। और देखिए कितना खूबसूरत हमारा चे बन गया। चे के पेट में तीन नुक्ते होते हैं ना। और अब अगर मैं एक नुक्ता इसके सर पे लगा दूं तो ये कौन सा हर्फ बनेगा? खे। तो बच्चों है ना कितना आसान। अब आपने सिर्फ नकात नहीं लगाने बल्कि इसके बाद भी हम कुछ करेंगे। वो ये काम करना है कि अब इन हरूफ को तरतीब देंगे, तो इससे आपको नकात लगाने की भी मशक हो जाएगी और आपको ये भी पता चलेगा कि इन हरूफ की दुरुस्त तरतीब कौन सी होती है। तो सबसे पहले कौन सा हर्फ आता है? जीम। ये देखिए सबसे पहले जीम आएगा। और जीम के बाद कौन सा हर्फ आता है? चे। ये देखिए जीम के बाद चे आता है। और चे के बाद कौन सा हर्फ आएगा? हे। और हे में तो कोई नुक्ता नहीं होता। और हे के बाद खे। तो बच्चों देखा आपने कितना दिलचस्प खेल था और कितना आसान भी था। तो आज सब बच्चे अपनी मामा के साथ मिलके इतना आसान और दिलचस्प खेल खेलेंगे, तो इससे क्या फायदा होगा? आपको जीम के खानदान के तमाम हरूफ के नकार और दुरुस्त तरतीब आ जाएगी और आसानी से हो जाएगा सारा काम। तो ठीक है, नए सबक से तक के लिए अब आप मुझे, अब मैं अल्लाह हाफिज बोलूं। अल्लाह हाफिज।